ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन अनु सिंथेटिक ट्रैक में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल एमडी ताराचंद ने शिरकत की, तो वहीं वरिष्ठ अतिथि के तौर पर स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन के सदस्य पंकज भारती मौजूद रहे। स्पोर्ट्स मीट में बच्चों ने लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, लेमन रेस आदि प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक विकास दीक्षित ने बताया कि आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि खेल मनुष्य जीवन का अहम हिस्सा है और सभी को खेलों को खेलों की भावना से खेलना चाहिए। इतने आयाम स्थापित कर रहे हैं और आप लोगों के अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छे व्यवहार की वजह से ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल का नाम दिन दुगनी रात चौगनी हर जगह एक अच्छे तरीके से फैल रहा है। साथ ही में मंच पर विराजमान मैं बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आपके सामने हैं, ये स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन के इस समय वाइस प्रेसिडेंट हैं और डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ अपने समय के ये बहुत बढ़िया एथलीट रहे, इन्होंने कई बार स्टेट पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हिमाचल को, और स्टेट लेवल पर हमीरपुर को बहुत बार रिप्रेजेंट किया और मेडल्स इन्होंने जीते। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका जो ये स्पोर्ट्स ट्रैक सूट है विंटर का, ये डिज़ाइन भी जो है वो मिस्टर पंकज भारती ने किया है, तो इनके लिए जोरदार। वहीं स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन के सदस्य पंकज भारती ने बताया कि स्कूलों में समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। सरकार ने हम सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सब लोगों ने इसका फायदा लेना है। सब लोग यहाँ पे अपने अपने जिस तरीके से दमखम है उस दमखम को दिखाएं, और जैसा मैंने निवेदन किया स्कूल प्रबंधन से भी और आप सभी यहाँ बैठे हुए प्रतिभाशाली बच्चों से कि आप अपने प्रतिभा का दमखम दिखाते हुए उस नेशनल लेवल की जो एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है, तो उस क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड तक जाने के लिए भी आप लोग प्रयासरत हो, क्योंकि पहले एक कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि ताराचंद ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि खेलें हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। सभी खेलों की जननी एथलेटिक्स है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन को स्पोर्ट्स मीट के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। जी ने अभी बताया, डिटेल में बताया कि आज के इस युग में पढ़ाई के साथ साथ हमारी खेलें जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इससे ही हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सभी गेम्स की जर्नी जो है वो हमारी एथलेटिक्स है। हम दौड़ पाएंगे तभी फुटबॉल खेल पाएंगे, हम दौड़ पाएंगे तभी हॉकी खेल पाएंगे, हम दौड़ पाएंगे तभी हम क्रिकेट खेलेंगे, यानी हर गेम जो है वो हमारे स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं विकास जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये अरेंज किया, स्टाफ मेंबर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज बच्चों का ये स्पोर्ट्स डे जो है वो बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से आप यहाँ पर मनाने जा रहे हैं और हर बच्चा जो है वो उत्सुक है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसे जैसे कि विकास जी ने अभी बताया कि हम अदर गेम्स के लिए, फुटबॉल के लिए या रेसिस के लिए या और भी कंसर्न गेम्स जो हैं उनके लिए बच्चों को प्रेरित करने जा रहे हैं और उनमें पार्टिसिपेट करने भी जा रहे हैं, इसके लिए प्रोग्राम जो है वो निश्चित हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि इसके साथ, क्योंकि खेलों से डिसिप्लिन आता है, खेलों से हम बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन सीखते हैं और इससे हमारा जो शरीर है वो पुष्ट होता है। इसमें एक्टिविटी जो है वो हमारी काफ़ी फास्ट हो जाती है, तो हमें इस तरफ हमें काफ़ी ध्यान देना होगा और बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट लेना होगा ताकि हम शारीरिक तौर पर हम मजबूत हों। कहीं भी किसी भी जगह हमारी ताकत की, शारीरिक ताकत की जरूरत जो है वो पड़ जाती है।
हर काम में जरूरत पड़ती है। पढ़ने के लिए भी हमारा ये साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। तो साउंड बॉडी कैसे होगी? अगर हम, मैं तो ये कहूंगा कि जहां भी आपको दौड़ने का मौका मिले, कभी उस मौके को मत खोइए।